शाजापुर के काला पीपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे अरसे बाद रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रोगी कल्याण समिति अध्यक्ष विधायक कुणाल चौधरी ने की। इस दौरान वहां सीएमएचओ डॉक्टर राजू निदारिया और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जेपी दुबे भी मौजूद रहे। आयोजित बैठक में अस्पताल के उन्नयन समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद विधायक कुणाल चौधरी ने अस्पताल में स्वीकृत कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उपस्वास्थ्य केंद्र का कार्य धीमी गति से किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर से फोन पर चर्चा भी की। रोगी कल्याण समिति की बैठक थी विधायक साहब की अध्यक्षता में। उनकी पुरानी टेंडेंसी थी और कुछ नए काम करने थे वो सब पूर्ण किए। जैसे हॉस्पिटल में जैसे उन्होंने बताया था कि ओपीडी पर्ची के लिए कंप्यूटर करके उसके लिए हाँ करी गई। मैटरनिटी वार्ड को इम्प्रूव करना था वो किया गया। इसके अलावा जो वेस्टेज था कन्नम उसको राइट अप करने के लिए वही सर यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन की भी सर आवश्यकता है। उसके लिए हमने शासन को लिख दिया गया। लास्ट बार मैंने बोला था वहाँ पे जैसी मैपिंग होगी अब उनको डिजिटल में। जिस प्रकार की स्थिति अस्पताल की है कैसे सही इलाज लोगों को मिले कैसे वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक हो और इसके लिए हम लोगों ने रोगी कल्याण समिति की बैठक में कई निर्णय लिए गए। कई कर्मचारियों के हित के भी निर्णय थे कई व्यवस्था सुधारने के निर्णय थे कई जो हमारे जो कार्य रुके हुए हैं उन चीजों के निर्णय थे क्योंकि कोविड के बाद कई तरह की स्थितियां परिस्थितियों का बदलाव जो होना चाहिए और खास तौर पे काला पीपल पे हम जो लगे हैं कि ये कैसे सिविल हॉस्पिटल हो जाए कैसे इसको आगे बढ़ाने का काम करें और अन्य उसके ऊपर हमने रोगी कल्याण की बैठक ली और कई निर्णय इसमें लिए गए जिनको आगे आके इंप्लीमेंट किया जाएगा।